ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी क्या है, उनकी प्रेम की डिक्शनरी में शब्द कौन से हैं, ये प्रेम वर्षा मोदी पर कैसी करते हैं। साथियों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे बसमासूर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रैबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोलने वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। और भाइयों बहनों, सुनिए, जरा देश सुन रहा है, सुने। भाइयों बहनों, इनकी ख्वाहिश तो, इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी रही है। खुलेआम मेरे खिलाफ मोदी की बोटी बोटी करने का घोषणा करने वालों को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया है, चुनाव में टिकट देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है, क्योंकि वो मोदी की बोटी बोटी करना चाहते हैं। मुझे पता है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह के शब्द बोलना सही नहीं है। परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा में जाने वाले बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं, वो भी आज ये सब सुन रहे हैं। इस तरह की भाषा उन बच्चों ने न सुननी चाहिए न सीखनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नामदार जिस तरह अपने प्रेम की डिक्शनरी दिखा रहे हैं, और कोई, ये बड़ी देश की लोकतंत्र की मजा देखिए, कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए आज मैं देश के सामने सारी सच्चाई रख रहा हूं। भाइयों और बहनों, मुझे गाली देते हुए इन लोगों ने कितनी बार मर्यादा तार तार की है, ये भी इनकी प्रेम वाली डिक्शनरी से पता चलता है।